हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे राधे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं जवे उतार रही हूँ। दोपहर पे अपने जवे तोड़े थे दीदी और मैंने, तो ये आटा बनाकर रख दिया था। तो उसके बाद में मैं 2 घंटे में हमने ये जवे तोड़े थे। तो हमने सोचा कि 1 घंटा 2 घंटा है ना, हम जवे तोड़ दिया करेंगे। और वैसे तो रेडीमेड है ना लेके आते हैं, लेकिन इनको ना रेडीमेड पसंद नहीं है। और मेन इसका रीज़न ये है कि फेस्टिवल आने वाला है, रक्षाबंधन। तो हमारे यहाँ पर जवे, मतलब जवों की पूजा वगैरह में मतलब ज़रूरत होती है, तो इसी वजह से जवे तोड़े जाते हैं। हमारे यहाँ पुरानी रीत चली आ रही है, तो ये सभी फॉलो करते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर इकट्ठा कर दिए हैं, ये अच्छे से आप देख सकते हैं। उसके बाद में ना पानी वगैरह गिलास कुछ भी हो जाता है तो किचन में, फिर मैं उसे रख के आ गई थी। और यहाँ पर मेरी एक कुर्ती थी जिसको मुझे सही करनी थी, तब मैं ना गुड़िया दीदी आई थी, यानी ताई जी की लड़की आई थी तब देखने के लिए। तो ये कुर्ती मैंने ट्राई की थी, तब है ना इसके जो बटन थे वो लूज़ हो रहे थे, जिस वजह से मैंने इसको ऐसे ही रख दिया था। अब मैंने सोचा पहले मैं इसको सही कर देती हूँ, उसके बाद में फिर मैं इसको ड्राई करूँगी। तो यहाँ पर मैंने निकाल ली है मशीन, आप देख सकते हैं। और छोटी मोटी चीज़ें हैं ना, जैसे मैं कर लेती हूँ अपने लिए, जैसे कुछ भी मेरा सूट होता है फिर उसकी फिटिंग लगानी होती है, या फिर भी कुछ भी ठीक करना होता है, तो मैं टाइम निकाल के कर ही लेती हूँ। क्योंकि इसमें ये होता है कि जब हम कहीं को जाते हैं तो ऐसे ही फिर ढूंढने पड़ती है चीज़ें कि हम क्या पहने यार क्या नहीं, तो इसलिए ना सामने रखी रहती है ठीक हुई चीज़ें, तो हम यूज़ कर सकते हैं, खासकर कपड़ों में। तो मैं कपड़े ऐसे नहीं छोड़ती, अगर कहीं से कुछ भी ठीक करना होता है तो मैं ठीक ही कर लेती हूँ उसको, टाइम निकाल करके। मुझे अच्छा भी लगता है वैसे, कि शाम में मैं मशीन लेके बैठ जाती हूँ, कुछ अलग अलग चीज़ें ही होती हैं। और इस बार तो मैंने ना सूट सलवार की कटिंग की थी, वो वीडियो मैंने आपसे शेयर नहीं की। नेक्स्ट टाइम ना अपने सूट सलवार बनाऊंगी, तो उसकी कटिंग है ना जब करूंगी तो आप लोगों से शेयर करूंगी। तो यहाँ पर देखिए, अब मैं ना मशीन हो गई है रेडी। सबसे पहले तो धागा ही वगैरह इसमें डलेगा, तो धागा इसमें चलेगा मैरून, और ये मैरून कलर की है। और ये मैंने तभी ख़रीदी थी तब शादी की शॉपिंग की थी, तो बहुत सारे कपड़े ऐसे हैं कि मैंने अभी तक नहीं पहने हैं। और आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग ये भी सोचते होंगे कि अभी अभी नई नई शादी हुई है, इस बार ना गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि कोई भी अपने साथ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है, खासकर कपड़े पहनने में। और किचन में जाके ऐसा लगता है कि किचन में जाओ ही ना वापस से। और इस बार ना रूम से उठने का मन, पंखे के नीचे बैठ जाते हैं तो उठने का मन नहीं हो रहा, और किचन में जाके तो इतनी बुरी हालत हो जाती है। तब है ना जब पानी का काम करते थे तो इतनी गर्मी नहीं लगती थी, लेकिन इस बार है ना पानी का काम करके भी इतनी बुरी गर्मी लग रही है कि बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले ना मैं इसका वी नेक है ना गला बनाऊंगी, तो यहाँ पर ना जो एक्स्ट्रा इसका कपड़ा निकला हुआ था तो उसे मैं फोल्ड करूँगी। और ये काम है ना मैं घर पे ही कर लेती हूँ, इसको है ना मैं बाहर नहीं लेके जाती कि छोटा मोटा काम बाहर लेके चली गई, मैं ये काम खुद कर लेती हूँ। और उसके बाद ना मैंने सोचा है कि मैं ना जो कुर्ती बनाऊँगी उसके ना पल्ले वी शेप में बनाऊँगी, जो आजकल चल रही है, तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। अभी तो मैं धीरे धीरे ना खुद कर करके अभी सीख रही हूँ, इतनी ज़्यादा मतलब नहीं है, इतनी ज़्यादा सिलाई नहीं आती, लेकिन हाँ ये है कि कर लेती हूँ मैं अपने लिए। और वैसे भी ना बाहर जाने के लिए आजकल इतनी ट्रेंड में चीज़ें चल रही हैं, जैसे कि कुर्तियाँ बहुत अच्छी चल रही हैं, सूट अफगानी सलवार चल रहे हैं, मतलब ट्रेंड में काफ़ी कुछ आ रहा है, तो बाहर हमें पहनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मतलब रेडीमेड ही ख़रीदते हैं। घर में अगर सिल के कुछ पहनते हैं तो घर में ही पहनते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने लिए तो आती है सिलाई, तो इसलिए ना मैं ये चीज़ें खुद ही कर लेती हूँ। और जब है ना ये चीज़ें आप है ना करने लगते हो तो काफ़ी मज़ा आता है इसमें, ऐसा नहीं है कि आप कर रहे हो तो आपको मज़ा नहीं आता।
और जो ये मशीन दी है तो ये भी मैं लेके आई थी, ये मम्मी ने बड़े प्यार से मुझे मशीन दी है। और पहले ना मम्मी मतलब जब शादी का सामान आया था तो पहले नहीं आई थी मशीन, तो उन्होंने बाद में मशीन दी थी, लेकिन उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी फिर भी वो मशीन लेके आई थी। और ये होता है ना कि माँ अपनी लड़की के लिए कितना कुछ करती है, और इतनी बड़ी बात है ये कि माँ इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करती है बेटियों के लिए, अपने बच्चों के लिए तो माँ करती ही है सब कुछ, और ये फीलिंग अलग ही होती है, और अपनी माँ की मतलब अलग ही बात होती है, वो बहुत कुछ करती है। तो यहाँ पर ना दीदी चने लेके आई थी और चने काफ़ी टेस्टी लग रहे थे, तो हमने चने खाए थे। उसके बाद में यहाँ पर कपड़े धोने के लिए आ गई थी, कल है बृहस्पतिवार और कल ना हम कपड़े नहीं धुलते और पोछा नहीं लगाते, तो कल के दिन ना यही रहता है हमारा। और बृहस्पतिवार में कहते हैं कि बहुत सारे लोग लगाते भी हैं, तो यहाँ पे चलता है कि मैं घर पे भी नहीं पोछा, मतलब पोछा तो लगा देती थी मैं घर पे, लेकिन कपड़े नहीं धुलती थी, तो यहाँ पर पोछा भी नहीं लगाते और कपड़े भी नहीं धुलते, तो मैं भी इसी चीज़ को फॉलो करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे के सारे कपड़े धुल लिए थे, आज वेनसडे है और ये वीडियो शाम का शूट कर रही हूँ मैं, तो शाम में मैंने कपड़े धुले थे, क्योंकि ना दोपहर में इतनी ज़्यादा तेज़ धूप थी और बाथरूम में आती है सारे के सारे धूप, तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से ये सारे के सारे कपड़े निचोड़ लिए थे, और बाल्टी में इनका सारा का सारा ऐसे रख कर के पानी निकल जाता है, तो फिर है ना जैसे छत पे लेके जाते हैं हम बाल्टी, तो ज़्यादा भारी नहीं लगती क्योंकि सारा पानी निकल के उसके बाद में दूसरी बाल्टी में रख कर के आराम से इनको लेके आ गई थी छत पे। तो देखिए यहाँ पर ना ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा था आप देख सकते हैं, और जब हम छत पे आते हैं ना तो अच्छा मन लगता है शाम में। और जो हमारा थोड़ा घर है ना थोड़ा सा बंद है, जिसकी वजह से वहाँ पे ना नीचे सफोकेशन हो जाती है, और मेरे रूम में तो ज़्यादा ही होती है, उसकी वजह से ना कई बार मेरा जीव सा भी ख़राब हो जाता है, और मुझे आदत नहीं है। जब मैं मतलब शादी से पहले हमारा घर खुला था तो मुझे कभी भी आदत नहीं है ऐसे मतलब बंद बंद घर में रहने की, तो इसी वजह से मुझे ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर मैं सारे कपड़े फैला दूँगी आप देख सकते हैं, और दीदी दे रही थी पौधों में पानी, और पौधों में इस बार ना फूल भी नहीं आ रहे हैं जो कलम लगाई थी, वैसे तो सारी कलम लगाई हुई है गुलाब की, लेकिन इन पे फूल ही नहीं आ रहे क्योंकि बारिश की वजह से जो प्लांट्स हैं हमारे वो भी इतने बढ़ नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से फूल भी नहीं आ रहे हैं, और काफ़ी मतलब ख़राब हो रही है सारे के सारे पौधे। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं बातें भी कर रही थी, कपड़े भी फैला रही थी, काफ़ी मज़ा आ रहा था, और जब किसी की बातें सुनते हैं तो काफ़ी मज़ा ही आता है, कुछ बातें कर रहे होते हैं ऐसे नहीं मैं सुनती है, लेकिन हाँ ये कुछ बातें हमारे से ही हो रही थी, और बातें हो रही थी हमारी किसी टॉपिक पे, तो उसमें हंसी भी आ रही थी काफ़ी। और देखिए आप देख सकते हैं शाम में ना छोटे मोटे काम होते हैं, जैसे कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं तो ये कर लेते हैं, जैसे कपड़े फोल्ड करना, दिया जलाना, पूजा करनी, या फिर कपड़ों पे प्रेस करनी, बहुत छोटे छोटे काम होते हैं जिनको ना मतलब हम निकलते हुए कर देते हैं, बहुत छोटे काम होते हैं, और बड़े बड़े काम कभी कभी इतने फैल जाते हैं कि छोटे कामों के लिए टाइम नहीं मिलता, तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मतलब ये हुआ कि ऐसे ही हो रहा था, जैसे मैं घर गई और घर के आने के बाद मेरा टाइम नहीं मिला, और ये डेली तो ऑफिस जाते हैं तो इनके कपड़े इतने ज़्यादा हो रहे थे प्रेस के, तो उन पे भी प्रेस करनी थी मुझे। सबसे पहले मैं यहाँ पे दिया जलाऊंगी, और मैं तुलसी माता के यहाँ पर दिया जला रही हूँ आप देख सकते हैं, और शाम में ना मम्मी जी जलाती है फिर या मैं जला देती हूँ, उनका टाइम नहीं लगता आप देख सकते हैं। और ये चीज़ें करके आप पूजा पाठ करके ना इतना ज़्यादा सुकून मिलता है, अगर ये रूटीन में आ जाता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ पर ये परेस है ना जो जला हुआ इसमें जम जाता है, तो आप है ना एक मेडिसिन लीजिए, उसकी
कोई भी मेडिसिन हो उससे आप एक गोली निकाल लीजिए उसकी और यहाँ पर देखिए इसको फेर करके अच्छे से ये सारा का सारा निकल जाता है। आप एक बार ट्राई करना और ये बहुत अच्छा है क्या। तो देखिए यहाँ से फिर है ना आपके कपड़े दूसरे भी नहीं चलते वरना वो चिपका रह जाएगा तो दूसरे भी चिपक जाते हैं उसी पे। तो आप ये हैक ज़रूर ट्राई करके देखना। और शाम का टाइम हो गया था, खाना वगैरह सब हो गया था तो मैं यहाँ पर प्रेस कर रही हूँ और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी लेकिन मेरे रूम में तो गर्मी कम लगती है क्योंकि इधर के जो हमारे रूम हैं तो इधर कच्ची मिट्टी और कड़ियों के रूम हैं उसके ऊपर भी लैंटर वगैरह डला हुआ है लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी हवा आती है। कुछ मेरे रूम में एसी भी है लेकिन यहाँ का टेम्परेचर अच्छा रहता है, इजी नहीं है प्रेस करनी लेकिन इनके लिए ना गर्मियों के लिए परफेक्ट शर्ट है। तो मैंने इनको बोला था कि ऐसी शर्ट लेके आ जाओ आप क्योंकि गर्मी लगती है। वैसे तो इनके पास में कॉटन की है लेकिन वो हाफ बाजू की है तो जिसकी वजह से ना कहीं मेरठ वगैरह जाना पड़ता है इनको, ऑफिस से हेड ऑफिस जाना पड़ता है अपने तो वहाँ पर ये हाफ बाजू की नहीं पहन के जाते। तो इसी वजह से है ना मैं सोच रही थी कि इनके लिए ना शर्ट लेके आऊँ। तो अब मैंने इसको फ़ोल्ड कर दूंगी और फ़ोल्ड भी ये इतनी इजीली नहीं होती, इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है और मैं इसको ना हैंगर में ही हैंग करती हूँ तभी ये चलती है वरना इसको फ़ोल्ड करके ऐसे रख दो तह में बना करके लाइनिंग में तो ये ख़राबी हो जाती है आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ना मैं वापस से इसको फ़ोल्ड कर रही थी और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी ना आप देख सकते हैं मतलब पंखे के नीचे भी सुकून नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पर इनकी लगभग है ना सारे कपड़े हो गए थे और जो पिंक वाला सूट था ये भी मैंने प्रेस करके लगा रखा था। और उसके बाद है ना बातों में मैंने सारे के सारे कपड़े अपने प्रेस कर दिए थे आप देख सकते हैं। और छोटे मोटे कामों के लिए ना टाइम निकालना पड़ता है, ऐसे नहीं होते हैं। आपको बता रही थी कि बड़े बड़े कामों में हम छोटे छोटे काम भूल जाते हैं तो इनके कपड़े बहुत सारे हो रहे थे प्रेस के जिनमें मैंने प्रेस की थी। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो कोई भी अच्छी लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताया करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो और वीडियो को शेयर किया करो। और आप मेरी फैमिली हो तो मैं आपसे शेयर करती हूँ सारी बातें क्योंकि यूट्यूब पे तब आई हूँ तो मेरी फैमिली है आप लोग तो मुझे अच्छा लगता है ये बातें शेयर करना। तो आज का व्लॉग यहीं पे मैं एंड करूँगी क्योंकि लेट बहुत हो गए थे। मिलूँगी आपसे न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, स्वस्थ रहना और मस्त रहना। बाय, गुड नाइट।